हेलो एवरीवन, वैदिक गणित में ये हमारा पांचवा ट्यूटोरियल है। आज हम बात करेंगे अनुरूपेण्य सूत्र के बारे में। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि वैदिक गणित के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास पांच सूत्र अवेलेबल होते हैं। पहला होता है निकलम सूत्र और दूसरा होता है अनुरूपेण्य सूत्र। अनुरूपेण्य सूत्र जो है निकलम सूत्र का एक छोटा सा भाग होता है। निकलम सूत्र में हम नंबर्स को चेक करते थे कि वो 10 की पावर के से कितना ज्यादा है और कितना कम है। यहाँ पर हम 10 की पावर को, जो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 10 की पावर के क्लोज नहीं होते हैं, वो किसी और नंबर के क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 मल्टीप्लाइड बाय 57, तो यहाँ पे 54 और 57 या तो 50 के क्लोज हैं या फिर 60 के क्लोज हैं। तो आपके नंबर्स 10 के क्लोज नहीं होते हैं, बट लॉजिक वही यूज होता है निकलम सूत्र का। तो यहाँ पे निकलम सूत्र का ही लॉजिक यूज होगा, बट उसमें थोड़ा सा एक ऑल्ट्रेशन होगा। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जीक्यूशन। अभी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 28 को 25 से। अब 28 और 25 किस नंबर के क्लोज हैं? तो ये 20 के भी क्लोज हो सकते हैं और 30 के भी, पर चूंकि दोनों नंबर 25 से ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर 30 इसका वर्किंग बेस ले लेती हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग बेस हो गया 30। अब मैं 30 में से अगर 2 घटाऊंगी तो मुझे मिलेगा 28, और अगर मैं 30 में से 5 घटा दूंगी तो मुझे मिलेगा 25। तो यहाँ पर हमने वर्किंग बेस से डिफरेंस निकाल लिया। अब हम यहाँ पे LHS और RHS कैलकुलेट करेंगे। तो लॉजिक वही हम यूज करेंगे। LHS यूज करने के लिए हम लोग ये जो नंबर हमारे पास होते हैं, जैसे 28 और 25 हमने यहाँ पे ले रखा है, तो 28 में से हम -5 करेंगे और 25 में से -2 करेंगे, तो जो कॉमन नंबर आएगा दैट विल बी अवर रिजल्टेंट LHS। पर ये तो हम 10 की पावर में करते थे रिजल्टेंट LHS। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये होगा, चूंकि हमारी वर्किंग बेस 30 है तो यहाँ पर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम निकालते हैं RHS। तो RHS के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा डिफरेंस आता है 2 एंड 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 10। अच्छा, हमने यहाँ पे एक ही जीरो लगाया है, क्यों? क्योंकि इस बार जो हमारा वर्किंग बेस का नंबर है वो यूनिट्स डिजिट वाला है, इसमें हंड्रेड्स नहीं है। जैसे हंड्रेड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, तो हंड्रेड्स होता है तो हम 2 जीरो लगा लेते हैं, थाउजेंड्स होता है तो 3 जीरो लगा लेते हैं, पर यहाँ पे हमारा जो वर्किंग बेस है वो यूनिट्स वाला है इसलिए हमने यहाँ पे 10 लगा लिया है। अब यहाँ पर हम इन नंबर्स को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 69, और 69 के अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 10 को। तो हमारा जैसे इसको हमने ऐड किया तो रिजल्ट होगा हमारा 700। तो देखिए कितने इजीली हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। ये ट्रिक्स अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे प्रैक्टिस होता है तो ये सारी चीजें आप ओरली कर लेंगे। ओरली करने के लिए हर नंबर का कॉम्प्लीमेंट आपको याद होना चाहिए, तो बहुत फास्ट काम होता है और बस नंबर सामने आता है और रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये खासियत होती है वैदिक मैथमेटिक्स की, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेती हूँ। इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 67 से। अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी वर्किंग बेस क्या है। तो इस बार हमारी वर्किंग बेस 60 भी हो सकती है और 70 भी, क्योंकि मेरे पास नंबर एक 63 है तो मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग बेस ले लेती हूँ 60। अब यहाँ पर अगेन हम चेक करेंगे कि 63 60 से कितना बड़ा है, 3 + 3, और 67 प्लस 7 बड़ा हुआ है। अगेन LHS और RHS निकाल लेते हैं। तो LHS के लिए हम लोग यहाँ पर 63 में 7 को ऐड कर लेंगे और 67 में 3 को ऐड कर लेंगे, तो एक कॉमन रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज 70। अब हम यहाँ पर LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे। तो RHS के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, और यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 21। 21 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे सिंगल जीरो यूज किया है इसलिए क्योंकि ये हमारा जो नंबर है वो यूनिट्स प्लेस वाला है। सेकेंडली, यहाँ पर निकलम सूत्र यूज नहीं कर रहे हैं, हम अनुरूपेण्य सूत्र यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो वर्किंग बेस है इससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 420, और यहाँ पर जाकर ये जीरो हम नीचे उतार लेते हैं और इसमें हमने ऐड कर दिया 21। तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 4221। तो बहुत इजीली ही यहाँ पर हमने वैदिक मैथ से कैलकुलेशन कर लिया। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।